बड़ी खबर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत देश के 5 जिलों के बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। किस तरह वहाँ शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनता के सामने इतराम मोदी ने सरकारी योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि और सिर्फ स्वच्छता ही नहीं नए उद्योगों उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई वजन नहीं है। कांग्रेस सरकार ध्वस्त और विफल पूरा देश पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने अहंकारी जनता से कभी भी संवेदनहीन और पूरी तरह से नाकाम विपक्ष की भूमिका निभाई। इनका एजेंडा झूठ फैलाने का है, वो हमें गाली देते हैं। देखिए हम राष्ट्रवाद हम राष्ट्र सेवा में जुटे रहे हैं। मंदसौर के कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान मोदी ने शिवराज सरकार के विकास कार्य की प्रशंसा की। बिलासपुर के कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया। कहा कि नक्सल मुद्दे पर निपटने के लिए सरकार हर कोशिश में है। जहां तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा की बात है तो पिछले 4 वर्षों में इसमें लगभग 20% की कमी आई। सरकार की नीतियों और विकास का ये असर हुआ है कि 2014 से 2017 के बीच करीब 3,500 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अभी हाल ही में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 1 नंबर पे आया। ये दर्शाता है कि किस तरह वहां शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनता के साथ मिलकर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है। और सिर्फ स्वच्छता ही नहीं, नए उद्यमों को अवसर देना हो, नए प्रयोगों को प्रोत्साहन देना हो या जनहित से जुड़ी कोई नीति लागू करने में तत्परता दिखानी हो, हमारी सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए हर संभव कदम उठाती रही। खेती हो, किसान हो, फसलों का बढ़ता उत्पादन हो, आज मध्य प्रदेश की पहचान बन चुकी है।